खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां राज्य स्थापना दिवस समारोह में तहसील कर्मचारियों को खटीमा उप जिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट ने सम्मान पत्र दिया। ये सम्मान पत्र विभिन्न विभागीय कार्य और जनहित में सराहनीय कार्य करने के लिए वितरित किए गए। खटीमा में इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। उप जिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि देवभूमि का अनुपम सौंदर्य, पर्वतीय परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे एक अद्वितीय राज्य बनाती है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए हमें हमारे समृद्ध विरासत के संरक्षण और समृद्धि के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। वहीं राज्य की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ करते हुए देवभूमि को विकसित और आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। खटीमा से हमारे संवाददाता अंशु अग्रवाल की रिपोर्ट। स्थापना दिवस पर सबसे पहले मैं सारे खटीमा वासी को और सारे उत्तराखंड वासी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं नमन करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिसकी बदौलत आज हमारे पास उत्तराखंड मिला है राज्य। आज हमने जो भी हमारे खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे तहसील के कर्मचारी या अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भविष्य में भी ऐसे काम करें और हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।